हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठन। मैं नरेन। तो बच्चों, पिछले कुछ कहानियों में हमने हमारे आसपास में जो चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा और अच्छे से जानने का कोशिश किया है। जो दिन भर में हमारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं उसको हम घड़ी से देखने सीखा है। और जो हमारा एकदम से पिछला कहानी था उसमें हमने किसके बारे में सुना था? हाँ, हम श्रीनेगरी श्रीनिवास के बारे में सुना था, जिसको बहुत तेज गुस्सा आता था। पर गुस्सा जो है, हमारी दिन भर में जो चीजें हम करते रहते हैं उसका एक पार्ट होता है। हम जो काम करते हैं, कभी कभी हमें बहुत खुशी होती है, कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाते हैं, और कभी कभी हमें गुस्सा भी आता है। तो आपके जैसे ही श्रीनेगरी श्रीनिवास को भी बहुत गुस्सा आता था, पर बाद में हमने ये भी देखा कि कैसे उनको हंसना भी सीखा उन्होंने। तो सारी चीज मिला के हमारी जिंदगी है। आज का जो ये कहानी है ये आवाज के ऊपर है। तो बच्चों, ना जाने जिंदगी में हमारे दिन भर में हम कितने सारे आवाज सुनते हैं। कभी कभी कोई गाड़ी जाती है तब उसकी आवाज आती है, कभी कभी आपकी मम्मी बुलाती है तब आवाज आती है। कुछ आवाज है जो चले जाते हैं और आपको याद भी नहीं रहता है, बट कुछ आवाज होते हैं हमें बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज होते हैं और हमारे सर पे वो चलता रहता है, जैसे गाड़ी का पॉम्प पॉम्प। तो ये सारे ऐसी आवाज हमारे कान से गूंजते हमारे सर पे चला जाता है और वो रहता है, और हम सोचते हैं कि ऐसी आवाज ना ही सुने तो ही अच्छा है। तो आप ही के जैसे श्रीनगरी श्रीनिवास को भी आवाज एकदम पसंद नहीं था, और इससे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। पर आगे फिर क्या होगा, क्या आपको पता है? तो आओ कहानी सुनते हैं कि श्रीनगरी श्रीनिवास को क्या आवाज सुनाई दिया, और फिर वो आवाज को मैनेज करने के लिए उसने क्या किया। तो आओ सुनते हैं कहानी। तो बच्चों, आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है टू मच नॉइज, बहुत ज्यादा शोर। पर ये पिक्चर में ये कौन है, क्या आप इनको पहचानते हो? अरे हाँ, ये तो श्रीनेगरी श्रीनिवास है। पर आज भी वो काफी परेशान लग रहे हैं, उन्होंने अपने कानों को ढक लिया है। और क्यों ढक रहे हैं? क्योंकि शायद वो आवाज से परेशान है। फिर आगे क्या होगा, तो आओ पता करते हैं। टू मच नॉइज, जिसको लिखा है रोहिणी नीलकेणी ने। वन डे श्रीनेगरी श्रीनिवास द फार्मर सेट आउट विथ हिज बेस्ट काउज टू द कैटल फेयर। ही हैड टू वॉक अलोंग द न्यू नेशनल हाईवे दैट हैड कम अप नियर हिज विलेज। तो एक दिन श्रीनगरी श्रीनिवास, जो कि किसान थे, अपने सबसे अच्छे गायों को लेके पशु मेले में जा रहे थे। और उनको कहाँ से जाना था? उनको राजमार्ग से होते हुए जाना था, जो कि अपने गांव के बहुत ही पास आया हुआ था। तो देखो, श्रीनगरी श्रीनिवास राजमार्ग से होते हुए जा रहे हैं, पर रोड में तो और भी कितने सारे गाड़ियां चल रहे हैं, बस चल रही है, ट्रक चल रही है, और क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को? द बिग रोड हैड मैनी कार्स एंड ट्रक्स, एवरी ड्राइवर सीम टू बी हॉन्किंग लाउडली। द बिग रोड हैड मैनी कार्स एंड ट्रक्स, एवरी ड्राइवर सीम टू बी हॉन्किंग लाउडली। पाओ पो पा, पाओ पो पा। द काउज डिड नॉट लाइक द नॉइज, दे डिसाइडेड टू गो बैक होम। तो इतने बड़े चौड़े राजमार्ग में तो बहुत सारे और भी गाड़ियां चल रहे थे, ट्रक चल रही थी, ऑटो चल रहा था, और सभी ड्राइवर बहुत तेज हॉर्न बजा रहे थे। इसका आवाज कुछ
पाँ पों पाँ करके कानों में आ रहा था, और गायों को ये आवाज एकदम अच्छा नहीं लगा, तो वो सोचे कि वो वापस घर चले जाएंगे। तो देखो सिनेग्री श्रीनिवास परेशान है आवाजों से, और उनकी जो गाय हैं वो तो एकदम पीछे मोड़ के घर जाने का सोच रहे हैं। ही वेव्ड हिज हैंड्स एट द ड्राइवर टू स्टॉप द नॉइज। ही वेव्ड हिज हैंड्स एट द ड्राइवर्स टू स्टॉप द नॉइज। दिस डिड नॉट हेल्प। सीइंग हिम दे जस्ट हॉन्क्ड लाउडर। दिस डिड नॉट हेल्प। सीइंग हिम दे जस्ट हॉन्क्ड लाउडर। द नॉइज ऑफ द हॉर्न्स वेंट स्ट्रेट इन टू हिज हेड एंड इट स्टेड देयर। इट वॉज अ बैड डे फॉर हिम। ही वेंट बैक होम विथ हिज काउज। मू द काउज वेर हैप्पी टू बी इन द काउ शेड अगेन। तो सिनेग्री श्रीनिवास कहाँ जा रहे थे? वो तो पशु मेले में जा रहे थे, पर रोड में उनको इतनी आवाजें सुनाई दिया कि वो परेशान हो गए। उन्होंने हाथ से इशारा किया सभी ड्राइवर को कि थोड़ा तेज तेज नहीं हॉर्न बजाइए, पर उनको देख के सारे ड्राइवर और भी तेज हॉर्न बजाने लग गए, और ये सारी आवाजें एकदम सीधा श्रीनगरी श्रीनिवास के सर पे जाके बैठ गया। ये दिन तो बहुत ही बुरा जा रहा है। तो उसके गाय को लेके वो फिर से वापस चला गया, और गाय तो बहुत ही खुश क्योंकि उनको मेले में नहीं जाना पड़ा, और उन्होंने क्या आवाज किया? मू। तो देखो श्रीनगरी श्रीनिवास तो खुश नहीं है, वो बहुत ही परेशान है। और क्या लगता है आप लोगों को, किस चीज से परेशान है वो तो हॉर्न से परेशान है। बट द नॉइज सिंपली वुड नॉट गो अवे फ्रॉम हिज हेड। पाओ पो पा इट केप्ट ऑन प्लेइंग लाइक अ बैंड ऑफ अनट्रेंड म्यूजिशियन। अदर नॉइजेज अराउंड हिम सून जॉइंड इन द कोरस। इवन द साउंड दैट ही हर्ड डेली सडनली बिकेम टू लाउड फॉर श्रीनेगरी श्रीनिवास। तो श्रीनेगरी श्रीनिवास का जो ये आवाजें थे जो इन्होंने सुना था, पाओ पू पा, ये तो उसके सर पे जाके जैसे कोई संगीतकार बजा रहा था ऐसे बजने लग गया। और जो आवाज वो डेली सुनते हैं वो भी जुड़ गया इनके साथ, और श्रीनगरी श्रीनिवास को हर आवाज बहुत तेज कानों में जाके बजने लग गया। श्रीनगरी श्रीनिवास देखो बहुत ही परेशान हो गया। अब क्या होगा आगे? द रिबिट रिबिट ऑफ द फ्रॉग्स वेर नॉइजी। द सिकाडास एंड द क्रिक क्रिक वेर टू लाउड। श्रीनगरी श्रीनिवास वॉन्टेड द हूटिंग आउल्स टू बी सेंट अवे। ही वॉज एंग्री एट द कोयल्स फॉर स्क्रीचिंग लाउडली एट 4 AM। तो मेंढक की आवाज से भी वो परेशान, कीट की जो क्रिक क्रिक आवाज होते हैं उनको भी वो बहुत ज्यादा लग रहा था, और वो तो रात में जो उल्लू आवाज करते हैं उनको भगा ही देना चाहते थे, और बहुत गुस्सा हो गए 4 बजे। कितने बजे? 4 बजे, जब कोयल बहुत तेज चीखता है। तो देखो रात भर श्रीनगरी श्रीनिवास सोए नहीं है क्योंकि वो सारी आवाजों से बहुत परेशान, और वो कान में हाथ डाल के बैठे हुए हैं। एंड एट द काउज दैट मूड एट 5 AM, एंड हू एवर आस्क्स द रूस्टर्स
टू एक्ट एज अलार्म क्लॉक्स एंड दैट स्टूपिड टाइगर एनाफ ऑफ हिज रोरिंग। तो 5 बजे जो गाय होते हैं वो जो मू करते हैं उससे भी वो परेशान, और किसने कहा मुर्गे को अलार्म क्लॉक बनने के लिए, और दूर बैठा वो जो बुद्धू सा शेर है उसका भी दहार कम होना चाहिए। तो श्रीनेत्री श्रीनिवास हर आवाज से जो कि वो रोज सुनते हैं सभी चीजों से बहुत परेशान है। Poor Srinagiri Srinivas, his ears had become raw like a fresh wound. He tried hard to keep things quiet. He shouted at the children if they talked loudly. He glared at his wife, Parvatamma, when the pressure cooker whistled. तो बेचारा Srinagiri Srinivas, उसका कान तो ऐसे खून निकलने वाला हो गया था और वो बहुत कोशिश कर रहा था ताकि उसको थोड़ा सा सन्नाटा और खामोशी मिले। वो बच्चों को डांट देता था जब भी वे थोड़ा जोर से बात करते थे, और अपने बीवी परमात्मा पे भी बहुत तेज देखते थे जब भी प्रेशर कुकर सीटी मारती थी। तो Srinagiri Srinivas अपने घर वालों से भी बहुत ही परेशान, अपने बच्चों से, अपने बीवी से, प्रेशर कुकर से, सभी चीजों से। Srinagiri Srinivas only wanted silence. Everyone tried to help. Parvatamma stopped scolding the children. The children played cricket quietly with a very soft ball. तो देखो Srinagiri Srinivas को बस थोड़ा खामोशी और थोड़ा सन्नाटा चाहिए था। सबने बहुत कोशिश किया, पर्वतम्मा ने बच्चों को डांटना छोड़ दिया और बच्चे भी इतने अच्छे बाहर जाके चुपचाप से एक नरम सा बॉल लेके क्रिकेट खेल रहे थे। पर क्या लगता है इससे Srinagiri Srinivas का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है? नहीं, वो तो अभी भी कितना परेशान, और अभी भी उनके हाथ कानों में, आवाजों से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं, और सारे बच्चे बहुत डर रहे हैं Srinagiri Srinivas से, अब क्या होगा। द काउज डिड नॉट मूव एनी मोर, द सिकाडास एंड द आउल्स moved to another village. Even the tiger stopped growling. तो जो गाय थे उन्होंने मुंह करना ही बंद कर दिया, और जो कीट और जो उल्लू थे वो तो दूसरे गांव में चले गए, और दूर बैठा ये जो शेर था उसने भी आवाज निकलना एकदम बंद कर दिया। पर Srinagiri Srinivas परेशान अभी भी, उनका मुंह देखो बाकी कितना परेशान है। येट Srinagiri Srinivas वॉज नॉट हैप्पी, ही कुड हियर द नॉइज ऑफ एवरी वन ट्राइंग टू बी साइलेंट। पर Srinagiri Srinivas खुश नहीं था, उसको तो सबकी आवाजें सुनाई दे रहा था जो भी चुप रहने का कोशिश कर रहा था। तो देखो उनके बच्चे, उनकी बीवी, जो गाय थे वो तो बहुत ही सरप्राइज हो गए, अरे अब क्या होगा। और Srinagiri Srinivas हाथ ऊंचा करके कहीं चले जा रहे हैं। क्या लगता है कहां जाएंगे Srinagiri Srinivas? आई विल गो अवे फ्रॉम दिस प्लेस, ही डिक्लेयर्ड वन मॉर्निंग। प्लीज डोंट, said Parvatamma, where will you find silence? Srinagiri Srinivas simply frowned at her and started to walk away from his village. तो एक दिन सुबह Srinagiri Srinivas कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा यहां से,
तो पर्वत अम्मा बोलते हैं, मत जाओ, तुम्हें कहाँ जाके खामोशी और सन्नाटा मिल सकता है। पर श्रीनगरी श्रीनिवास गुस्से से और तेवर से उनकी तरफ देखा और चल पड़े अपने गांव से दूर। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है श्रीनगरी श्रीनिवास को कहाँ थोड़ा सा सन्नाटा और खामोशी मिल सकता है? आओ पता करते हैं। सून ही केम क्लोज टू अ न्यू टाउन। ही वॉच्ड द नॉइजी पीपल इन द नॉइजी टाउन। अ यंग मैन पास्ड बाय। ही हैड सम वायर्स डैंगलिंग फ्रॉम हिज ईयर्स। श्रीनगरी श्रीनिवास कुड ऑल्सो हियर अ टिंग डैंग साउंड। द मैन लुक्ड वेरी हैप्पी। ही डिड नॉट इवन नोटिस that the trucks were blaring horns nearby. तो श्रीनगरी श्रीनिवास एक शहर के पास आए, वहां पे उन्होंने देखा, अरे लोग यहाँ पे कितने शोर कर रहे हैं। और तभी उनके सामने से एक आदमी जा रहा था, इसके कानों से कुछ तार झुल रहे थे। और श्रीनगरी श्रीनिवास को क्या सुनाई दिया? टिंग डैंग टिंग डैंग टिंग डैंग टिंग डैंग करके आवाजें। और ये आदमी तो बड़े खुश था, उसको तो सुनाई भी नहीं दे रहा है आसपास में इतने हॉर्न जो बज रहे हैं। ओहो, तो श्रीनगरी श्रीनिवास को कुछ अच्छा दिख गया शहर में। वॉट इज दिस? ही आस्क्ड द मैन। दिस आर माई हेडफोन्स, हियर ट्राई देम ऑन, द यंग मैन सेड। He put them on Srinagiri Srinivas. Music, ting dang, no horns. तो श्रीनगरी श्रीनिवास ने आदमी से पूछता है, अरे ये क्या है? तो आदमी बोलता है, अरे ये तो मेरे हेडफोन है, आप भी पहन के देखो। और उसमें से फिर म्यूजिक बजने लगता है, टिंग डैंग, और कोई भी हॉर्न सुनाई नहीं देता है। आहा, दिस इज जस्ट व्हाट आई नीड, ही सेड। श्रीनगरी श्रीनिवास कहते हैं, आहा, यही तो मुझे चाहिए था। श्रीनगरी श्रीनिवास वेंट इन टू द टाउन। ही बॉट अ पेयर ऑफ बेस्ट हेडफोन्स एंड पुट देम ऑन। एट लास्ट नो मोर नॉइज, ही रिटर्न टू हिज विलेज with his big new headphones. तो श्रीनगरी श्रीनिवास शहर से उनके लिए एक बड़ा अच्छा सा हेडफोन खरीदा और कोई भी आवाज उनको सुनाई नहीं देता है अभी। और वो गांव में वापस आए अपने बड़े से नए हेडफोन को लेके। तो देखो, श्रीनगरी श्रीनिवास के कानों में बड़ा बड़ा हेडफोन और उनके बच्चे बहुत खुश होके उनको देख रहे हैं। और उनकी बीवी परमात्मा भी कितना खुश है देख के श्रीनगरी श्रीनिवास को। His wife was happy to see him. श्रीनगरी श्रीनिवास gave her a big smile. His children helped him to connect the new headphones to some good music, happy music. तो श्रीनगरी श्रीनिवास भी बहुत खुश थे, उन्होंने उनके बीवी को देख के एक बड़ा सा स्माइल दिया और उनके बच्चों ने श्रीनगरी श्रीनिवास को हेल्प किया एक अच्छा गाना सुनने के लिए। नाउ व्हेन श्रीनगरी श्रीनिवास गेट्स वेरी एंग्री एट द कार्स और इवन एट द फ्रॉग्स, ही पुट्स ऑन हिज हेडफोन्स एंड लिसन्स टू द साइलेंस। और He listens to good music. In the village, the cows are mooing again. The quails have come back. Ribbit, ribbit, go the frogs. Crick, crick, sing the cicadas. तो अब जब भी कोई भी कुछ आवाज करता है या गाड़ी जाता है उनके पास से, वो अपने हेडफोन को पहन लेते हैं या कभी कभी वो अच्छा म्यूजिक भी चला लेते हैं। तो अब देखो, कोई भी परेशान नहीं है। श्रीनगरी श्रीनिवास भी उनका म्यूजिक सुनते हैं
और गाय, मुर्गा, कोयल, पक्षी जो कीट होते हैं, मेंढक होते हैं, वो अपना आवाजें आराम से निकल सकते हैं। बट द कार्स ऑन द हाईवे आर स्टिल मेकिंग टू मच नॉइज, पाव पू पा, इट्स नॉट अ गुड साउंड। तो अभी भी हाईवे में जो राजमार्ग है वहां पे अभी भी बहुत आवाज होती है, पाव पू पा करके, और ये अच्छा आवाज तो है नहीं सुनने का। श्रीनगरी श्रीनिवास हैज टू टेक हिज काउज टू द फेयर सून, विल दे वांट हेडफोन्स टू। तो श्रीनगरी श्रीनिवास को पशु मेले में लेके जाने अपने गायों को, तो आपको क्या लगता है उनके लिए भी क्या श्रीनगरी श्रीनिवास हेडफोन लेके आएंगे? तो बच्चों, ये कहानी में हमने फिर से हमारे श्रीनगरी श्रीनिवास से मिले, और श्रीनगरी श्रीनिवास इस बार भी बहुत परेशान थे, पर श्रीनगरी श्रीनिवास हार मानने वालों में से नहीं थे। वो तो हर चीज में सल्यूशन निकाल के लेके आते हैं, और इस कहानी में भी हमने वही देखा कि बावजूद इतने आवाज से जब उनके कान एकदम से खराब होने लगे थे और आवाज से वो बहुत ही परेशान हो गए थे, कैसे वो शहर में जाके ये देखा कि हेडफोन से जो आवाजें होती है वो कम आती है और कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो बच्चों, हमारे भी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती है, पर जो उसकी हल होती है वो भी आस पास ही होते हैं, है ना। जब मान के चलिए हमें कुछ सी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो हम भी थोड़ा सोचते हैं और उसका सलूशन निकाल के लाते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे एक दिन क्रिकेट खेलना था पर मुझे बैट नहीं मिला, तो हम लोग ने मिलके एक लकड़ी से बैट बनाए और उससे क्रिकेट खेले, बट मज़ा तो उतना ही आया, है ना। तो बच्चों, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें होंगे और उसका जो हल है, उसका जो सल्यूशन है, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा पर मिलेगा ज़रूर वहाँ से। तो बच्चों, आज जो कहानी हम लोगों ने सुना है, अंत में हमने एक छोटा सा प्रश्न भी दिखाया आप लोगों को। जैसे श्रीनगरी श्रीनिवास ने अपने कानों में क्या लगाए थे, हेडफोन लगाए थे, तो उनको आवाज़ से कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो अभी कुछ दिन बाद श्रीनगरी श्रीनिवास को पशु मेले में भी जाना है, और वो अकेले नहीं जा रहे हैं, वो तो अपने गायों को भी लेके जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, उन गायों को भी हेडफोन पहनना चाहिए? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि क्या गायों को भी हेडफोन पहनना चाहिए, और आप लोगों ने कभी किसी गाय को देखा है हेडफोन पहनते हुए, और आप लोगों के पास कौन सा रंग का हेडफोन है, तो ज़रूर बताइए हमें। और आपने भी कभी किसी प्रॉब्लम से छोटा सा हल निकाला था या सलूशन निकाला था तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आशा करूँगा कि कहानी सुन के आप लोगों को मज़ा आया है और आपने कुछ सीखा भी है। तो बच्चों, जुड़े रहिए ई पाठन प्लेटफॉर्म के साथ। हम लोग फेसबुक में भी हैं और यूट्यूब में भी शामिल हैं, ज़रूर दोनों जगह को विज़िट कीजिए। आज के लिए इतना ही।